एवरीवन कैसे हो आप लोग आई होप यू आर आर वेरी वेल हूं जोशिका फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स एप फॉर फ्री एट लर्न हब डॉट कॉम तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक न्यू ईयर का एक न्यू सेट हम डिस्कस करते हैं जो ईयर है जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी सी बी एस फिजिक्स बोर्ड पेपर और जैसा कि आप जानते हो कि जो सीरीज है वो हमारी क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज है हम 2020 का सेट वन आज डिस्कस करेंगे जिसमें हमने सारे ही सेट से क्वेश्चंस ले लिए हैं तो उन्हीं को हम देखने वाले हैं अब यहाँ पर होने क्या वाला है कि जो सेट वन हम डिस्कस करेंगे वो तुम्हारा पूरा सॉल्व होगा लेकिन सेट टू सेट थ्री जितने भी सेट थे यहाँ पर थ्री सेट्स में से बाकी रिमेनिंग टू सेट में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सेट वन से थोड़े डिफरेंट थे समझ गए ना बात कोई दिक्कत नहीं है एंड यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फोर सेक्शंस आते हैं जिसमें सेक्शन ए बी सी डी ए में होते हैं वन मार्क्स फिर टू मार्क्स फिर थ्री मार्क्स एंड फिर फाइव मार्क्स तो इस तरीके से आपका बोर्ड पेपर डिजाइन होता है और ऐसे ही आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि हाँ भाई सेक्शन ए में तो वन मार्क्स के क्वेश्चन है तो मैं इसमें तो अच्छे ले ही आऊंगा और जहां पर लॉन्ग आंसर टाइप है उसमें भी ना कुछ चैप्टर से ना क्वेश्चन वो आते ही है अगर चैप्टर में से कोई भी एक लॉन्ग आंसर आया है तो ये आप प्रीवियस ईयर करते करते आपको इतना आइडिया बिल्कुल होने वाला है तो जल्दी से रेडी हो जाइए तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर की

एसी वोल्टेज विच इज यनरेगुलेटेड वोल्टेज लाइक दिस वन फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज एस यू कैन से दैट ठीक है अब यहां पर हमने एक सोर्स रेसिस्टेंस लगाई क्यू लगाइए टू लिमिट द एक्सेसिव करेंट

टर्मिनल सप्लाई तो इसका मतलब अभी किस में है रिवर्स में है फिर हमने यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है अब ये लोड रेजिस्टेंस देखो अगर हम सर्किट को इस तरीके से बनाते हैं यहां पर आर एस होता आर एल होता तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो एक्सेसिव होता ठीक है इसको रेगुलेट करने के लिए जो वोल्टेज मिलता है हमें ड्रॉप वो बहुत ज्यादा मिलता है उनको रेगुलेट करने के लिए हमने एक लगा दिया है सीन डायोड ठीक है अब ये जो जीनर डायोड हमने लगा दिया अब यहां से जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो हमें मिलेगा एकदम डीसी वोल्टेज रेगुलेटेड वोल्टेज जो कि एक कांस्टेंट रहेगा अब इसका ये वर्क कैसे करता है तो ये वर्क कैसे करता है रिवर्स वाइस में बस वर्क कर, करता है जो कि बता चुके हैं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक दैट इज योर जीनर वोल्टेज तक आपका जो है एक ब्रेकडाउन वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है देखो ये कॉन्स्टेंट है यहाँ तक बट आफ्टर यू अप्लाइंग हायर वोल्टेज देन दिन ब्रेकडाउन वोल्टेज मीन इफ यू अप्रेटर वोल्टेज के बाद ठीक है अब मान लेते हैं कि यहां से जो हमने वोल्टेज है वो बढ़ाया तो यहां पर जो आपका करंट सप्लाई होगा वो क्या होगा वो भी इंक्रीज होगा ठीक है करंट इंक्रीज होगा तो यहां पर ये जो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो भी इंक्रीज होगा बट मेरा जो ये जीना डायोड है जीना डायोड के अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज क्योंकि जो जीना डायोड है वो कब आपका वर्क करता है एक पर्टिकुलर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज जीना ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद वो अपना रिजल्ट शो करता है तब तक वो नहीं करेगा उसी तरीके से तो यहाँ पर जो है वोल्टेज हमारा वो कांस्टेंट रहेगा फिर यहाँ पर जब आपने उसको डिक्रीज भी कराओगे तब भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसी तरीके से जीना डायोड आपका एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक उसको बढ़ाओ या घटाओ उसके करंट में कोई चेंज नहीं होगा करंट रिमेन ट या फिर वोल्टेज इज ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट बट आफ्टर यू अप्लाइंग सप्लाई वोल्टेज विच इज ग्रेटर देन दर ब्रेक डाउन वोल्टेज देन देयर इज सडन इंक्रीज इन द करेंट ठीक है तब तक तो आपका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है अगर आपने मान लो कि इसका ये थ्री वोल्ट है जीनर ब्रेकडाउन अगर आपने यहाँ पे वन वोल्ट की सप्लाई दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा टू वोल्ट की दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा की की दो 2 की दो बट थ्री वोल्टेज तक आप दे दो कोई फर्क नहीं बट जैसे ही आपने थ्री वोल्टेज से थ्री पॉइंट वन में ही या वहां पर करंट में सब शाप इंक्रीज हो जाएगा तो दैट इज योर वर्किंग ऑफ द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज आप देख लो इसका ग्राफ भी बना रखा है फॉरवर्ड बाइस में हमारा करंट मेजर होता है तो ये फॉरवर्ड बाइक्स की कंडीशन ये प्लॉट तो कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी और यहीं पर हमारा थर्टी फोर्थ क्वेश्चन का ए पोर्शन सॉल्व हो जाएगा नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर के बी पोर्शन की जिसमें बोला गया है कि व्हाट इज पर्पस ऑफ ऑफ जीना डायोड। तो हम ये सब जानते हैं कि जीना डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है और यहाँ पर हम हैवी डोपिंग करते हैं पी और एन जंक्शन पे तो यहाँ पर उसका रीजन पूछा है तो इसका मेन रीजन होता है हैवी डोपिंग करने का। दैट इज जिसके कारण जो हमारी डिप्लेशन लेयर है वो हमारी कम हो जाए विच डिक्रीजेज द विप्लीशन लेयर Approximately आप कह सकते हो लेस माइनस की जो है उसको क्यों रिड्यूस कर रहे हैं जिसके कारण हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जंक्शन की वो हमारी इंक्रीज हो जाए एट जंक्शन और इसकी वैल्यू कुछ हो जाती है ग्रेटर देन फाइव इंटू टेंस वोल्ट पर मीटर तो ये मेन रीजन होता है कि पी और एन साइड में जीना डायोड में हम क्या करते हैं क्या करते हैं हैवी डोपिंग करते हैं जिससे डिप्लीशन लेयर जो है उसकी हम रिड्यूस करके इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा पाए जंक्शन पर और उसकी वैल्यू भी मैंने यहां पर मेंशन कर दी ठीक है क्लियर हो गया अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव के बी पोर्शन की इस पोर्शन में बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है और एक्ट कर रही है एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इन द रीजन ऑफ पॉजिटिव एक्स तो अगर हम लोग यहां पर एक इमेजिन कर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म फिर सेम मैग्नीट्यूड की हमारी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो दिस इज योर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फिर बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है टू हंड्रेड न्यूटन पर कूलम जब ग्रेटर देन जीरो है यहां पर है माइनस टू हंड्रेड न्यूटन परकूल जब वो लेस देन जीरो है अब राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है उसकी लेंथ है ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड रेडियस है उसकी ये सिलेंडर है तो इसकी जो रेडियस है वो है फाइव सेंटीमीटर हैज सेंटर एट द ओरिजिन और इसकी जो एक्सेस है अलोंग द एक्स एक्सेस उसमें वन फ्लैट फेस है आपका पॉजिटिव टेन मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव टेन यहां पर एक्स की वैल्यू है माइनस टेन सेंटीमीटर सो दिस इज योर क्वेश्चन फिर क्या बोला गया है कि आपको निकालना क्या एक नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है थ्रू द सिलेंडर ठीक है अब यहां पर अगर हम देखें तो थ्री रीजन हो रहे हैं दिस इज योर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड थर्ड रीजन हो रहे हैं एक तो आपका सर्कुलर है दो सर्कल है एक आपका बीच में सिलेंड्रिकल वाला जो लेंथ है वो वाला पोर्शन है अब पर अगर हम लोग फर्स्ट रीजन में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो यहां पर एरिया वेक्टर भी इस तरफ ही बनेगा सर्कुलर का यहां पर भी एरिया वेक्टर इस तरफ बनेगा सर्कुलर का ठीक एंड इसका जो एरिया वेक्टर है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेंथ में मान लेते हैं कि यहां पर इस डायरेक्शन में है बट एरिया वेक्टर हम गॉसियन सरफेस लेंगे तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आएगा आएगा ना तो ये आपका एरिया वेक्टर होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे वो आप इस डायरेक्शन में लो चाहे इस डायरेक्शन में हो बट द एंगल बिटवीन द ई एंड ए इज 90 डिग्री है ठीक है अब अगर आपको नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स नेट फ्लक्स क्या होगा फ्लक्स फॉर द फर्स्ट रीजन प्लस फ्लक्स फॉर द सेकेंड रीजन प्लस फ्लक्स फॉर द थर्ड रीजन फर्स्ट रीजन में क्या होगा ई ए कॉस्टिटा वन मान लो a cos टीटा टू प्लस e a cos टीटा थ्री e सब में एंगल अलग अलग हो सकता है ना बट टीटा वन एंड टीटा थ्री सेम रहेंगे क्यों देखो दोनों ही e एंड a वेक्टर आपको फिगर से देख रहे हैं पैरेलल है अगर ये e है तो ये a है तो दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा क्या रहेगा जीरो डिग्री यहां पर टीटा वन जीरो डिग्री यहां पर तो यहां से हमने क्या देख लिया टीटा वन एंड टीटा थ्री तो हमारे जीरो ए, जीरो डिग्री है बट टीटा टू टीटा टू जो है वो हमारा नाइनटी डिग्री है दैट मीनस ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा है ना फिर यहां पर हमारे पास क्या बचेगा ई ए, ए कॉस जीरो प्लस ई ए, ए कॉस जीरो अब यहां पर कॉल जीरो हमारा वन हो गया तो ये हो जाएगा टू ई ए ए, ए, ना अब ये कितना हो जाएगा टू मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी टू हंड्रेड ये हो गया पाई आर स्क्वायर दैट मींस फाइव स्क्वायर करें कि 0.05 का स्क्वायर करें भी सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर ठीक है आप इसको तो जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 1.57 और यहां से भी सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3.14 सो दिस इज योर नेट फ्लक्स इसकी यूनिट क्या रहेगी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स सो दिस इज योर फाइनल नेट फ्लक्स तो आपको नेट आउटवर्ड प्लस निकाला थ्रू आउट द सिलेंडर तो आउटवर्ड प्लस कितना आ गया टू इंटू वन पॉइंट फाइव सेवन द्री पॉइंट अब क्वेश्चन में किस तरीके से पूछ सकते हैं इसमें पूछ सकते हैं कि find out the right face, outward flux, तो अगर वन पॉइंट फाइव सेवन आएगा इधर का निकालोगे तो आएगा फिर टोटल पूछेगा तो दोनों को एड कर दोगे तब भी आपका इतना आएगा अब चलते हैं अपने सेकेंड पोर्शन पर तो चलिए बात करते हैं इसके बी पोर्शन की बी पोर्शन में बोला गया है द नेट चार्ज जो प्रेजेंट इनसाइड सिलेंडर ठीक है अब सिलेंडर के अंदर अगर, अगर अंदर चार्ज निकालना है तो हम किसका यूज करेंगे तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द गर्स लॉ वक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्स नॉट यहां पर हमें क्या निकालना है यही तो क्यू क्यू एनक्लोज निकालना है तो क्या हो जाएगा क्यू एनक्लोज

लगा देंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट द यूनिट्स इन एवरी क्वेश्चन अगर आपको पता है इसमें यूनिट लगनी है तो बिल्कुल लगाइएगा कभी भी भूलिएगा मत, क्योंकि इसके आपके नंबर कटते हैं ठीक है ठीके? हो गया मतलब आपने ए पार्ट भी सॉल्व कर लिया आपने बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया इसका मतलब क्वेश्चन नंबर थर्टी तक का बी पोर्शन पूरा सॉल्व हो गया अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन नंबर में आए थे आपके तीन क्वेश्चन जिसमें ए बी सी यहां पर आपको ए पोर्शन में बोला गया है कि फाइंड द द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस तो यहां पर टू चार्जेस की बात हुई है आपके एनसीआर का ही क्वेश्चन है ये जहां पर आप देखोगे कि वन चार्जेस टू चार्जेस या फिर एन नंबर ऑफ चार्जेस के कारण भी आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पूरे सिस्टम की चार्जेस कौन-कौन से हैं q1 एंड q2 जो कि लोकेटेड है r1 एंड r2 लोकेशन पर रेस्पेक्टिवली इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हमने क्या करा हमने एक यहाँ पे फिगर बना के रखा हम मान लेते हैं कि जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ है ठीक है हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो चार्जेस रखे q1 एंड q2 ओके okay? और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज योर r12 ठीक है तो जब हमें हमें मालूम होता है कि वर्कडन जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं हम एक चार्जेस की बात कर रहे हैं अभी तो वर्कडन का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है दैट इज क्यू वी w इक्वल टू क्यू बी दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला फॉर द वर्क डन फॉर दिस केस ठीक है अब यहाँ पर जो आपकी आप एनर्जी लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन करेंगे अंगेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है यहाँ पर जब आप क्यू वन की बात करें तो इन्फिनिटी से जब क्यू वन को आप इधर लेकर आएंगे तब आपका जो वर्क डन अप्लाइड होगा दैट इज अंगेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इस क्यू वन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज योर वी वन ठीक है अब इतना सब तो कुछ आप लिखोगे लेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट क्यू वन इज वी वन एंड वेन वी आर देन वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू वन फ्रॉम इन्फिनिटी वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू वन फ्रॉम इन्फिनिटी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हम मान लेते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी वन अब डिस्टेंस क्या है यहां पर बोला गया है कि आर वन एंड आर टू डिस्टेंस पे रखे हैं तो इसको हम मान लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा वी आर वन है ओके नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग सिमिलरली फॉर क्यू टू कर रहे हैं क्यू टू फ्रॉम इंफिनिटी अब जब भी हम दूसरे वाले चार्ज को भी इंफिनिटी से लाएंगे तो वर्क डन हमारा क्या होगा एक तो होगा q1 v R2 वेक्टर या फिर बी टू आर टू वैक्टर प्लस अब देखो इस चार्ज जब दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं तो हमें एक वर्क डन तो इन्फिनिटी से करना पड़ता है और दूसरा वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्यों Q2 पे होगा Q1 के कारण भी Q1 से भी तो लेकर आना पड़ेगा तो यहां पर आपका आ जाता है कूलम्स के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू आर वन टू तो यहां पर ये क्या होगा आपका इसको क्या बोलोगे आप वर्क डन ऑन क्यू टू अंगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 क्योंकि पहले से यहां पर एक चार्ज तो था जब आपने दूसरे चार्ज पर इंफिनिटी से लेकर आए तो उसमें एक और वर्क डन आपको करना पड़ेगा इस Q1 के कारण भी तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि दो चार्जेस हो गए तो क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में आर वन टू तो आपका जो नेट वर्डन है इन द सिस्टम दैट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस दैट इज सबको ऐड कर देंगे क्यू वन वी प्लस क्यू टू आर टू प्लस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू ठीक है क्या होता है तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ टू चार्जेस ठीक है आप वहां पर लेट वेट करके भी लिखोगे फिगर प्रॉपर बनाओगे थोड़ा बड़ा सा अच्छा सा नीट एंड क्लीन बनाना ताकि सामने वाले को दिखे और नहीं इस तरीके से आप पूरा करोगे यहाँ पर इस पूरे को आप एक ब्लॉक में डालोगे दैट्स इट अब देखते हैं इसका बी पोर्शन तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव के बी पोर्शन की जिसमें बोला है ड्रॉ इक्यूब पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड डिपेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओके तो हमने पहले अपना एक चार्ज रख दिया है माइनस क्यू इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है वो रहेंगी टू वर्ड द चार्ज कुछ इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रहेंगी हमने कर दिया नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इक्टेंशियल सरफेस ऑफ दिस देन द दिस्यूपोटेंशियल सरफेस इज अ स्फीयर ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के कारण क्या रहेंगी स्फीयर्स रहेंगे सो so, हमने बना दिया इसका पोटेंशियल सरफेस भी बना दिया nice ड्रॉ कर दी तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव के सी पोर्शन की क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव के सी पोर्शन में क्या बोला है कि थ्री पॉइंट चार्जेस वन माइक्रोकुलम माइनस वन माइक्रोकुलम टू माइक्रोकुलम आर इनिशियली इनफानाइट डिस्टेंस अपार्ट इनिशियली कहाँ पर है एक इनफानाइट डिस्टेंस पर है जहाँ से आपने वहाँ पर उनको इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर लाने के लिए आपने क्या करा हुआ कुछ तो काम ही किया होगा बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलता है तो वर्क डन इबलिंग दीज चार्जेस एट द वटाइस ऑफ एन इक्टर ट्राइंगल जिसकी हमें साइड दी गई है तो वर्क डन उन्होंने किस के लिए किया उन्होंने एक इक्ुलेटर ट्राइंगल में उनको लेकर

तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू प्लस क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री प्लस है ना ये साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार गलती क्या होती है हम साइन को ना वो कर देते हैं कि निगलेक्ट कर देते हैं साइन कंसीडर नहीं करते हैं लेकिन साइन यहाँ पर कंसीडर करना है तो यहाँ पर हम अच्छे से जान रहे हैं कि के एंड ये जो आर वन टू है और ये जो आर टू थ्री है और ये जो आर थ्री वन है ये सिर्फ आर के बराबर है that is 10 cm, और आप कह सकते हो टेनिव पावर माइनस टू मीटर के ही बराबर है तो कॉमन निकाल लेते हैं ठीक है Q1 क्या है वन माइक्रोकुलटिव पावर माइनस सिक्स क्यू टू क्या है माइनस वन टू पावर माइनस सिक्स प्लस क्यू टू क्या है माइनस वन इंटू पावर माइनस सिक्स इंटू टू इंटू टेंडिटिव पावर माइनस सिक्स प्लस टू इंटू वन इंटू टेंडिटिव पावर माइनस सिक्स ठीक है यहां से हम कुछ और भी कॉमन निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में सेम पेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी यहाँ पावर माइनस ट्वेल्व को हम क्या निकाल सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं तो ये हो गया ये कितना बचेगा अंदर माइनस वन माइनस वन मल्टीप्लाई टू माइनस टू एंड प्लस टू के की भी वैल्यू रख देते हैं के की वैल्यू रखेंगे कितनी होती है नाइन इंटू टेंटिटिव पावर नाइन इंटू टेंटिव पावर माइनस ट्वेल्व अपॉन टेन इंटेटिव पावर माइनस टू और ब्रैकेट के अंदर माइनस टू प्लस टू सब हो गए कैंसिल तो यहाँ पर एक आ जाएगा आपका नेगेटिव साइन है ना ठीक है ये से तो यहां पर हो गया आपके पास आने वाला है माइनस नाइन इंटू टू पावर माइनस टू अब यूनिट क्या होगी क्योंकि यही वर्क डन आपका स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो तो वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है जूल होती है तो हमारा आंसर कितना आ गया माइनस नाइन इन पावर माइनस टू

तो यहां पे बात की गई है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तो हमें कैसे मालूम पड़ता है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है तो स्टेप अप में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स होते हैं दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स अगर मैं इसको फिगर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनता है ये रहा आपका कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड ये रहे आपके प्राइमरी टर्न्स एंड ये रहे आपके सेकेंडरी टर्न्स तो फ्रॉम बाय सीइंग दिस फिगर यू कैन से ट्रांसफॉर्मर है ये वाला ट्रांसफॉर्मर हमारा स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है ये क्या इसका कोर है ये क्या इसके नंबर ऑफ ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें जो टर्न होते हैं दैट इज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वाइंडिंग इट नोन एज योर स्टेप ऑफ तो ये मैंने बहुत बार अभी बोल दिया है अब इसकी वर्किंग की बात करें तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इसके लिए मैंने आपको ना बहुत बार एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई इसमें होता क्या है कि अगर म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है कि अगर मैंने खाना खाया मेरे बगल वाले का भी पेट भर जाए लाइक दिस वन दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन ठीक है मतलब बगल वाले में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आपका इनबीएफ कहां इंड्यूस्ड हो जाएगा सेकंड वाले में दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू बी हैपन इन म्यूचुअल इंडक्शन ठीक है म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है अब म्यूचुअल इंडक्शन पे जब वर्क करता है तो अगर हम इस प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस अगर हम ईएमएफ देखते हैं तो वो होता है आपका ईपी विच इज इक्वल टू माइनस एनपी डीफाई अपॉन डीटी एंड व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग दैट इज ईएस व्हिच इज इक्वल टू माइनस एनएस डीफाई अपॉन डीटी ठीक है अगर यहाँ पर इनका हम रेशियो निकालते हैं ईपी अपॉन ई एस विच इज इक्वल टू माइनस एनपी अपॉन माइनस एन एस ये कैंसिल हो जाता है तो दिस विल बिकम द इक्वेशन फॉर द स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर

देते हैं तो वहां पर ना जो वायर है उसमें जलने का डर रहता है अगर हम उसको ओवरलोड कर देते हैं तो थिक कॉपर वायर्स को अगर हम यूज करते हैं टू रिड्यूस द हीट लॉस जिससे हमारा जो वायर है वो बर्न ना हो हीट लॉस ज्यादा ना पड़े यूज़ तो आप ये भी कह सकते हो तो दैट से थर्टी सिक्स क्वेश्चन नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 37 के के ए के ए पोर्शन की पोर्शन में बोला गया है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वैन द फाइनल इमेज इज फॉर्म इनफिनिटी मार्क दिस वर्ल्ड फाइनल इमेज का है हमारी इंफिनिटी पर है उसका एक्सप्रेशन लिखना है रिजॉल्विंग पावर का टेलीस्कोप का नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नाउ If the real diagram of astronomical telescope is going to be asked in your exam, then you should be very much clear about the things. That astronomical telescope me to objective lens hota hai, that is greater than the Iep as shown in this figure. The uh, Objective lens ka size as compared to the IPs. Okay? है? पे है, तो हमारी इमेज भी आ रही है इंफिनिटी से यह पहली इमेज आई से और आपकी गईजेक्टिव सेंटर से तो यहां से, से गई तो वे चली गई दूसरी जब रेस आई तो वो थोड़ी सी यहां पर आके कहा से पास हुई यहां से पास होके सारी रेस एंड यहां पर उन्होंने एक इमेज फॉर्मड हुई जो ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे था और इमेज कहां पर फॉर्मड हुई है एफ पे फॉर्मड हो गई है ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर योर रेज लाइज लाइक यहां से जो रेज आपको दिख रही है वो आपकी आंखों में गई बट आपकी आंखों में जो इमेज आपने फॉर्मड की वो कहां हुई? Infinity पे फॉर्म हुई देखो यहां से ये डाइवर्जिंग कहीं पर मिल रही है नहीं तो इमेज कहां फॉर्मड हुई है इंफिनिटी पे फॉर्मड हुई है ठीक है ठीक है इतनी बात हो गई क्लियर तो यहीं पर आपको बताना था इमेज कहां फॉर्म हो इन्फिनिटी पर तो दिस इज योर रे डायग्राम फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी ठीक है चलो यहां पर ये यह जो एंगल है ये अल्फा है और दिस बीटा ठीक है मैंने वो करेक्शन करा दी है तो इस तरीके का आप अपना फिगर बना दोगे वहां पर जो कि आपका यहाँ पर हो जाएगा नाउ इफ यू आर गोइंग टू राइट अ राइटिंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप दैट इट शुड बी डी अपॉन वन पॉइंट टू टू लेमडा वेयर दिस डी इज वॉट डिस्टेंस नो दिस इज योर एपरेचर ऑफ द लेंस एंड वॉट इज दिस लेमडा लेमडा इज द वेब लेंस दिस इज योर रिजोल्विंग पावर एक्सप्रेशन ऑफ द टेलीस्कोप

एंड रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट इज गिवन टू यू ठीक है अब मान लो कि यहां पर हमने रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस तो यहां से आप इसका क्या यूज करने के लिए कर रहे हो आपको मून देखना है तो मून ये रहा आपका एंड ये कितनी दूरी पर रखा होगा वो आपका क्या होगा रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट अर्थ के राउंड रिवॉल्व करता है ना एंड दिस आर द डायमी डी जो आपको गिवन है रेडियस आपको गिवन है फिर अब जब आपकी इमेज फॉर्मड हुई होगी तो इमेज यहां से रेस आई आ रही होंगी बहुत सारी तो हम मान लेते हैं एक रे यहां से गई होगी एज इट इज चली गई होगी और यहां पर कहीं पर आपका कोई इमेज फॉर्म्ड हुआ होगा इसका आपको निकालना है डायमीटर जिसको हमने मान लिया है एच डैश ये क्या है आपका एफ ओ है कितनी दूरी पर फॉर्मड होता है एफ ओ पे फॉर्म्ड होता है वही लिख लिए आप यहाँ से ये आपका अगर अल्फा है तो ये आपका बीटा है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो अल्फा अपॉन बेस परपेंडिकुलर क्या है रेडियस एंड टेन बीटा की बात करें तो वॉट इज परपेंडिकुलर एच डैश वॉट इज बेस एट इज योक ठीक है आपको क्या निकालना है आपको निकालना है एच डैश तो एच डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डी एफ ओ अपॉन आर वॉट इज डी डी दिसंट फाइव इंटू टेंट पावर सिक्स वॉट इज द एफ ओ तो एफ ओ आपको दिया गया है ट्वेंटी एंड वॉट इज द रेडियस ऑफ द लोनार ऑर्बिट दैट इज थ्री पॉइंट एट इंटू टेंट पावर एट ठीक है ट्वेंटी कहां से आया ये रहा भैया ऑब्जेक्टिव लेंस का ठीक है आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा ये जीरो पॉइंट वन एट फोर मीटर तो आपने क्या निकाल लिया ये आपने निकाल लिया ये जो डायमीटर है ये जो डायमीटर है इमेज का फॉर्मड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज फॉर्म्ड की उसका आपने डायमीटर निकाल लिया देखो तो इतना रेडियस होता तो इतना पूरा डायमीटर होगा ठीक है हो गया आपका निकल आया दैट सेट यूनिट मैंने मीटर में रखी है चलो यहाँ पर ये यह क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन की ए पोर्शन की जिसमें बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर है यहाँ पर कॉनकेव मिरर है जिसके फ्रंट पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है फिर वहां पे बोला है कि उसकी जो इमेज फॉर्म हुई है उसका नेचर कैसा है वर्चुअल इमेज है मतलब वर्चुअल है यहाँ पर आपको रे डायग्राम बनाना है टू शो द इमेज फॉर्मेशन एंड उसके बाद आपको मिरर इक्वेशन को ठीक है तो यहाँ पर क्योंकि बोला गया है कि मिरर आपका है, तो बना के रखा फिर आपको बोला इमेज है, है तो वर्चुअल इमेज के लिए हमने क्या करा कब होगी कॉन्केव मिरर में जब हम अपने को और पोल के बीच में रख देंगे तो यहां पर मैंने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसका नाम दे दिया है ए बी

डायग्राम बनाने के रूल्स होते हैं पहला रूल होता है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे पैदल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो आपकी रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से निकलेगी फोकस से निकलेगी तो वो हमने निकाल दी फिर आपका एक और रूल होता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो रिट्रेस बैक हो जाती है तो वो रही ये वाली अब हमने यहाँ पर इन दोनों रेस को देख के ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेज हैं ये कभी नहीं मिलने वाली है इस जगह पर क्योंकि ये जो रे है इनका नेचर कैसा है डाइवर्जिंग नेचर है तो ये और दूर ही होती जाएंगी तो इसको फॉर्म करने के लिए हमने पीछे से इनको एलंगट करके इनको एक्सटेंड करके हमने इमेज फॉर्म कराई और हमने नाम दे दिया e ए रे और निकाली है जो कि ये हमारी जो कहा से जा रही है पोल से जा रही है तो अगर पोल से कोई भी रे इंसिडेंट कराई जाती है तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वही हमने कर दिया कोई दिक्कत नहीं है उसको हमने नाम दे दिया एंगल आई एंगल आना ठीक है अब यहां से पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या कहलाती है हमारी U कहलाती है पोल से इमेज तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है V कहलाती कहलाती है है इज योर इमेज डिस्टेंस पोल से सेंटर ऑफ की दूरी कितनी कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेज ठीक है सारी चीजें मेंशन कर दी अब क्योंकि हमें यहाँ पर एक मिरर इक्वेशन फॉर्म करनी है तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर ट्रायंगल्स देखेंगे तो पहला ट्रायंगल आपको देखेगा ए e, बी सी और दूसरा ट्रेंगल यहां पे देखेगा ए सी या फिर कह सकते हो ए डैश बी डैश और सी तो ये दो ट्रेंगल आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी ये दोनों ही जो ट्रायंगल्स हैं ये आपके सिमिलर ट्रेंगल्स होंगे कैसे हो जाएंगे देखो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है एंड एंगल दो एक नाइनटी डिग्री भी है ठीक है तो मैं यहां पर बोल सकती हूं कि ए बी सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी जैसे ही सिमिलर हो गए सिमिलर जैसे ही हो गए है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ए डैश अपॉन ए बी विच इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी दिस इज योर इक्वेशन वन ठीक है अब तो अभी यहां पर हमने दो ट्रायंगल्स देख लिए जिनसे हमें एक इक्वेशन वन मिल गई अब हमें दो ट्रायंगल्स और चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे क्या आपको देख रहे हैं तो उसको देखने के लिए मैंने यहाँ पर ये यह जो बनाया था पोल से राइट इंसिडेंट कराई थी तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हो गया ए बी पी तो मैं लिखूंगी इन ट्रैंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी देख लीजिए ए डैश बी डैश पी यहाँ पर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई ये वाला साई एंगल इक्वल है 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पर भी बोल सकती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है हमारे सिमिलर हैं अब अगर ये भी सिमिलर है तो यहाँ से भी ए डश बी डश अपॉन ए बी विच इज इक्वल टू बी डश पी अपॉन बी पी विच इज योर इक्वेशन 2 ठीक है इक्वेशन 2 भी मिल गई अब यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को देखने के बाद क्या कह सकते हैं इन दोनों को बोल देखने के हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से दैट ये दोनों ही जो वैल्यूज है किसके बराबर है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी के हैं तो यहां से बोल देंगे बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी ठीक है हमें ये दो भी ये रिलेशन मिला अब जैसे ही हमें ये रिलेशन मिला हम यहाँ पर अपने फिगर में देखें तो मुझे दिख रहा है कि ये जो मेरा बी डैश सी है इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ इजीली तो वो देखते हैं तो यहां पर अगर हम देखें तो अब हमारा जो ये बी डैश सी को हम अगर हम अपने फिगर में देखें कहा है बी डैश सी ये रहा बी डैश ये रहा सी ये क्या हो जाएगा मेरा बी डैश पी प्लस पी सी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी b'b क्या है मेरा minus -v प्लस b'b क्या है मेरा v और ये आपका r क्या हो जाएगा नेगेटिव में रखेंगे कि पॉजिटिव में रखेंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है तो हमारा जो r है वो नेगेटिव रहेगा तो r भी आपका नेगेटिव रहेगा वैसे तो यहाँ पर आपका आता v plus r बट क्योंकि साइन कन्वेंशन हमने कंसीडर किया है तो v r हो गया अब बात करते हैं bc की तो bc कहां दिख रहा है आपको ये दिख रहा है ठीक है बी सी क्या हो जाएगा पी सी माइनस बीपी पी सी माइनस बीपी ये हो जाएगा पी सी क्या है आपका माइनस आर माइनस बीपी क्या है यू तो माइनस माइनस यू विच इज माइनस आर प्लस यू हाँ हम ये दोनों ही चीजें यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b dash c v minus r upon b c क्या होगा minus r plus u और b dash p क्या है मेरा b dash p है मेरा v v क्या है पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव b क्या है मेरा u मतलब minus u ये हो गया यहां से मेरी इक्वेशन क्या आएगी दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगी माइनस यू यूवी प्लस यू आर इज इक्वल टू माइनस वी आर प्लस यू यूवी यहां से ये यह हो जाएगा टू यू यूवी इक्वल टू यू आर प्लस वी आर अब क्या करें मुझे चाहिए क्या मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये क्वेश्चन चाहिए अब मैं यहां पे करती हूं दोनों तरफ वन अपॉन यूवीआर से डिवाइड करते हैं क्या कर रही हूं मैं डिवाइडिंग बोथ यू वी आर जैसे मैंने यूवीआर से डिवाइड करूंगी तो यहां पर क्या होगा टू अपॉन आर यहां पर क्या हो जाएगा वन अपॉन वी यहाँ पर क्या हो जाएगा वन अपॉन यू तो क्या मुझे अभी रिजल्ट मिल गया कहोगे मैम यहां तो टू अपॉन आर आ रहा है ये वाला तो मिल गया अब इसको यहाँ पे वन अपॉन एफ चाहिए तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो फोकल लेंथ होती है जो हमारी फोकल लेंथ होती है दैट इज आर अपॉन टू ये रिलेशन हम जानते हैं जानते हैं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है फोकल लेंथ होती है तो क्या मैं यहाँ से कह सकती हूँ तो यहाँ पर ये रख दू तो ये क्या हो जाएगा अपॉन 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 एफ इज इक्वल टू वी प्लस यू क्या मेरा जो गोल था जो मुझे प्रूव करना था मिरर इक्वेशन वो हमने प्रूव कर ली बिल्कुल कर ली अब हमने यहाँ पर कौन के मिरर का ये वाला केस लेकर हमने अपनी मिरर इक्वेशन प्रूव कर ली यानी ये पोर्शन पूरा सॉल्व कर लिया अब इस तरीके से ना और भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपको वहां पर हमेशा ही इक्वेशन को प्रूव करने के लिए चाहे मेयर इक्वेशन हो चाहे लेंस फॉर्मूला हो आपको ट्रेंगल्स वहां पर देखने हैं उनको सिमिलर बताना है फिर इक्वेशंस आपको चाहिए और उनको आप स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ यू वी और आर इन तरीके से तो आप इजिली कर पाओगे यानी आप चलते हैं इसके तो चलिए बात करते हैं इसी क्वेश्चन के बी पोर्शन की, की जिसमें बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये हमें क्या दिया है यू दिया है है ना ठीक है विद द स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर मतलब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज गिवन टू यू दैट इज म्यू इज गिवन टू यू नाउ फाइंड नेचर ऑफ करवेचर इस प्लेन का आर वन और इस प्लेन कॉन्वेक्स का आर टो तो यहाँ पे प्लेन का जो रेड्स ऑफ करवेचर होता है वो हमारा क्या होता है इन्फिनिटी होता है आर टू क्योंकि यहाँ फेस कर रहा है तो नेगेटिव माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर ओके okay. यहां से हम क्या निकालेंगे अपनी फोकल लेंथ निकालेंगे कैसे निकालेंगे हमारे पास है एक लेंस मेकअप फॉर्मूला उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू यही होता है ठीक है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू कितना है ये तो आपका पूरा जीरो हो गया यहाँ पर बचेगा जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लायन अपॉन ट्वेंटी ये क्या हो, जाएगा? टेन और हो गया फोर्टी से सेंटीमीटर देखो अब फोकल लेंथ आ गई यू आपको दिया गया है क्या अब मेरे लिए इमेज की पोजीशन निकालना कोई टिपिकल बात है नहीं है ना क्या लगाएंगे अपना लेंस लेला अब देखो फोकल लेंथ हमें हमें दी हमने यू हमें दिया गया है माइनस थर्टी सेंटीमीटर माइनस क्यों है क्योंकि फ्रंट में रखा है तो वो कहां पर है लेफ्ट हैंड साइड पर है, के हो गया. अब हमारे पास जो है वो लिख देती हूँ वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू विच इज वन अपॉन फोर्टी इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन माइनस थर्टी विच इज इक्वल टू वन अपॉन फोर्टी इज इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन थर्टी यहाँ से आप बोलोगे कि वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर्टी माइनस वन अपॉन थर्टी विच विल कम्स आउट माइनस वन अपॉन ट्वेल्व यहाँ से आपका जो बी की वैल्यू है दट इज माइनस वन ट्वेंटी सेंटीमीटर अब देखो हमने पोजीशन निकाली कहां पर होगी इसी वाली इस डायरेक्शन में 120 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी इमेज फॉर्म हुई होगी हो इसका नेचर क्या होगा वर्चुअल होगा क्योंकि ये नेगेटिव है वो भी बता दिया इसका मतलब ए और बी पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन 237 थर्टी सेवन

जंक्शन पर है इसीलिए इसको हम बोलते हैं किरचॉस जंक्शन रूल ठीक है ये जो किरचॉफ जंक्शन रूल है दैट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चार्ज के कंजर्वेशन पर ही बेस्ड है इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड इन दिस रूल द इन द सम ऑफ द इनकमिंग करेंट एंड आउटगोइंग गोइंग करंट आर इक्वल ठीक है तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन कैरीज टू मार्क्स एंड इन दिस क्वेश्चन एंड स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स इच ऑफ रेडियस आर तो मतलब स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स है उनकी रेडियस स्मॉल आर है आज पोटेंशियल वी ड्रॉपलेट्स को लैप एंड टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉपलेट ड्रॉप विदउट एनी चार्ज लीकेज तो पोटेंशियल निकालना है हमें लार्ज ड्रॉप का ठीक है तो यहां पर जब स्मॉल स्मॉल एन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप आर गोइंग टू फॉर्म अ वन बिग ड्रॉप दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स Since the drops are in the form of a sphere, that means 4 by 3 pi R Q. R is the radius for the big drop and n number of capital N 4 by 3 pi small r Q. From here R Q will equal to n R Q. ये सब cancel हो जाएगा और इसको आप ये लिख सकते हो या फिर R is equal to n 1 by 3 R. so this is the relation between the capital r and small r now here the n droplets charge humne kara hai potential v se theek hai ab now potential for one big drop अब n number of थे तो one big drop का कितना हो जाएगा n के क्यू अपॉन कैपिटल आर यहां से एन के क्यू अपॉन एन वन बाई थ्री आर इट विल बिकम एन के यहां पर मैं लिख देती हूं टू बाई थ्री यहां से आप देख पाओगे कि सिंस पोटेंशियल फॉर द वन बिग ड्रॉप वन वन स्मॉल ड्रॉप इज के क्यू अपॉन आर यही होगा किसका वन स्मॉल ड्रॉप का तो क्या यहां से मैं ये क्या लिख सकती हूँ कैपिटल वी और लेट द पोटेंशियल फॉर द वन बी ड्रॉप इज बी डैश तो द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल फॉर वन बिग ड्रॉप इज एन टू बाई थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ठीक है तो हमारा रिलेशन निकल आया it, हमें रिलेशन ही निकालना था हमने वह निकाल लिया तो पोटेंशियल हमने निकाल लिया है लास्ट ड्रॉप का दैट इज दिस वन तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लॉक्ड चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर की में बोला गया है द कंडक्टिविटी ऑफ मैटर डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ ऑप्शन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी में बोला है डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी एंड सी में बोला है डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम एंड डी में बोला इंक्रीज इन मीन फ्री पाथ ठीक है तो अगर हम बात करें सिर्फ मेटल की तो मेटल में क्या होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया है ये रहे जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो क्या होता है वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाया वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया दैट मीन्स जो कोलोइजन है वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया तो अभी

पर एक सेकंड में चली जाऊं तो टाइम कम हुआ ना तो यहां पे जैसे ही इनके बीच में कोलोइजन बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या हुआ मेरा कम हो गया जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ सिंस आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ Where m is the mass of the length of the conductor, n is the number of free electrons per volume, e is the charge, A e is the area, tau is the relaxation time. As soon as tau decreases, what? This tau is not tau. This is a relaxation time. If tau is going to be decreased, then since R is inversely proportional to the tau, then R is going to be increased. If R is going to be increased, then conductivity going to be. डिक्रीज तो देशन में से अगर हम देखें तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं टाइम yes. में, में क्या हुआ डिक्रीज हुआ ना तभी तो ये हुआ तो यहां पर वो डिक्रीज हुआ इसीलिए हमारी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है बात हो गई क्लियर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की अकॉर्डिंग टू द सेट वन सबसेट थ्री इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट अ पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड एट एन एक्सीएल पॉइंट ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ च लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम इट

के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट द एक्सियल पॉइंट दैट इज वन अपॉन फोर पाई एप्स नॉट टू पी क्यू अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्स नॉट टू पी अपॉन आर क्यू यही होती है नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन दिस विच इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज दैट इज क्यू स डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रपोर्शनल है यहां पर अगर मैंने जो डिस्टेंस है चार्ज की वो तो अगर इंक्रीज कर दी तो दैट मीनस कितनी करी है मैंने डबल कर दी तो टू आर क्यूब हो जाएगा यहां से मैं देख पाऊंगी कि अभी ये हो गया वन अपॉन एट आर क्यूब तो मतलब जो मेरा नया फोर्स आया है वो क्या आया है एफ अपॉन एट आया ये क्या है मेरा एफ है अगर हम लोग सिर्फ अभी आर क्यूब के रिलेशन में देखें तो जो मेरा नया फोर्स होगा वो वन बाई एट हो जाएगा पुराने फोर्स के दैट इज योर ऑप्शन डी तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया कैसे किया देखो हम जानते हैं कि अगर चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज योर पर क्योंकि पॉइंट और डाइपोल की बात हुई तो हमने ये जो ई e होता है फोर्स में ये चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है जो आपकी डाइपोल के कारण पॉइंट पर लग रही है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्सीएल पॉइंट के लिए ये इसको हमने यहाँ रखा यहाँ से हमने फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन निकाल लिया बस काम हो गया फिनिश जैसी रिलेशन मालूम पड़ा हमने अपना आंसर बता दिया कि वो फोर्स जो है एट रिड्यूस्ड हो जाएगी दट सेट अब ये था हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर तो आई होप आज हमने जो ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर सॉल्व किया है सेट वन आपको वो पेपर सॉल्व करने में काफी मजा आया होगा और इतना भी पता चल गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये अभी इतना पुराना पेपर भी नहीं है मतलब अभी के पैटर्न से रिलेटेड पेपर है ये वाला तो इस पेपर को आप अच्छे से कर लेना और गेट एन आइडिया कि कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कितना लिखना है क्या किस तरीके से हम पेपर में ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं लर्नो फ्री है पर बेस्ट और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में फॉर फ्री Thank you.